आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमे धीमे एक बार फिर तेज होने लगी है, जिसकी वजह से प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ने लगी। आपको बता दें कि एक दिन पूर्व जहां 8 पॉजिटिव केस सामने आए थे, वहीं सोमवार को यह आंकड़ा बढ़कर 37 पहुंच गया है। इधर एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हुई है। रीवा में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 31 पहुंच चुकी है। रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता के मुताबिक अब तक रीवा जिले में 2868 कोरोना मरीज संक्रमित पाए जा चुके हैं। सोमवार की शाम 6 बजे तक एक्टिव केसों की संख्या 176 थी और पूर्व में अलग अलग स्थानों में भर्ती 28 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई है। बताया गया है कि केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई, जिसके चलते जेल प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। जेल में अधिकांश कैदी आसपास ही रहते हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद ही मुश्किल होता है। हालांकि कोरोना की वजह से नए कैदियों के लिए अस्थायी जेल बनाई गई है, जिसके बाद भी संक्रमित पाए जाने से जेल प्रशासन अब हरकत में आ गया है। संक्रमित के संपर्क में रहने वाले अन्य बंदियों का भी परीक्षण कराया जा रहा है। साथ ही जिस सेल में बंदी था उसको भी सैनिटाइज कराया गया है और जहां पर कैदी पहले पर मौजूद था वहां के बंदियों का भी मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।